हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज हमारा महारिविजन बैच की श्रृंखला दूसरी है, यानी सेकंड सीरीज को हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट टू, यानी इंग्लिश पेडागोजी प्रैक्टिस सेट टू को मैं डिस्कस करूंगा। और इनमें वो सभी क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसमें बताते हैं इंग्लिश पेडागोजी में अतुल कुमार मसौतिया, यानी आप जो इंग्लिश पेडागोजी की ये वीडियो देख रहे हैं, ये है अतुल कुमार मसौतिया, यानी मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, यानी एक भाषा से अधिक भाषा का ज्ञान होना क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। कॉजेज इंटरफेरेंस इन द लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ये नंबर थ्री की बात करें, कंफ्यूज द लर्नर्स व्हाइल लर्न्स अ न्यू लैंग्वेज एंड इज वेरी हेल्पफुल इन द टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। चले दोस्तों, राइट आंसर क्यों रुक करते हैं, और हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों राइट है समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो मल्टीलेवल होती है या मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान जो होता है वो आपको किस बारे में हेल्प करता है। इट्स वेरी हेल्पफुल, ये बहुत सहायक होता है टीचिंग पढ़ाने के लिए एंड लर्निंग को पढ़ने के लिए न्यू लैंग्वेज नई भाषा को। सपोज दैट, आपके जानकारी के लिए बता दें, सपोज मुझे हिंदी इंग्लिश और फारसी तीन भाषा आती है, और मैं यदि चौथी भाषा को सीखने का प्रयास करूं तो ये तीन भाषा कहीं ना कहीं उस चौथी भाषा को सीखने में हमारी मदद करेगी। यस और नो, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दे भी, क्या होगा इसका राइट आंसर। एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग इज लैंग्वेज बिगन्स विद, यानी जो एन इफेक्टिव लेसन जो होता है, जो प्रभावितापूर्ण जो लेसन होगा वो टीचिंग पढ़ाने के लिए, अ लैंग्वेज एक भाषा को बिगिन विद, वो किस चीज के साथ, किसके साथ स्टार्ट होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। लिस्टिंग लिस्टिंग नहीं, एक्चुअली लिस्टिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, या लिस्टिंग नहीं है, लिस्टिंग होगा, ठीक है। प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन या रिसर्चुअल एंड मोटिवेशन थ्रू द फन एक्टिविटी राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। दोस्तों, अगर बात करें किसी भी भाषा की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले एक्टिविटीज के अंदर कैसी होनी चाहिए, रिसर्चुअल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, रिसर्चुअल होनी चाहिए, कि बच्चे की बातों को सुना जाए और बच्चे की भावनाओं को समझा जाए। और बात करें बच्चे को मोटिवेट रखना सबसे ज्यादा जरूर होता है, किस बारे में, किसके थ्रू कर सकते हैं, थ्रू किसके द्वारा, तो फन एक्टिविटी। आप यदि प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको कई बार ऐसे भी कुछ कर्तव्य करके दिखाने होते हैं, जिससे कि बच्चा हंसी हंसी और खेल खेल में वो सारी बातें सीख जाए जो आप सिखाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स, कुछ जो शोर शराबा है क्लास के अंतर्गत, कुछ की बात कर रहे हैं, ज्यादा की नहीं, कुछ जो शोर शराबा है क्लास के अंतर्गत वो क्या, किस बात का संकेत देता है, ये आपको बताना है। इनडिसिप्लिन ऑफ द लर्नर्स, की लर्नर जो है वो अनुशासनहीन है, ये बताता है। टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, कि जो अध्यापक है या अध्यापिका है उसका कक्षा पर नियंत्रण नहीं है। नंबर थ्री की बात करें तो इनकॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, टीचर जो है वो इनकॉम्पिटेंस है, वो प्रतिस्पर्धा वाला नहीं है, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी विद द लर्नर्स एंगेज इन द लैंग्वेज लर्निंग। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चे का शोर मचाना प्राइमरी लेवल पर ये नहीं माना जाता कि बच्चे अनुशासनहीन है। बच्चा अगर शोर मचा रहा है तो कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी पावर डेवलप हो रही है, कंस्ट्रक्टिव पावर। कौन सी पावर दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव पावर डेवलप हो रही है, और वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहा है विद द लर्नर्स, बच्चों के साथ एंगेज इन द लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखने के लिए। समझ में आए कि नहीं आए, बिल्कुल दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर रुख करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। Which of the following is not true in the relation to the spelling mistakes? यानी स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हाँ, सही नहीं है, यही पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है,
जल्दी से आंसर दें. तो मेमोरी प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन द लेटर रिवर्स रिवर्सल मेमोरी प्रॉब्लम यानी याददाश्त का कमजोर होना. नंबर फोर्थ पे चलते हैं वापसी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे यानी याददाश्त का क्या होना दोस्तों, कमजोर होना. ये भी नहीं है, ये मतलब ये भी सही है. सही का मतलब इसके लिए नहीं कि वो यहां नहीं दिया यानी इसके अंदर नहीं होता, तो ये भी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन टू स्पेलिंग मिस्टेक्स. स्पेलिंग मिस्टेक्स में इसका कहीं रोल नहीं होता. दूसरा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेटर साउंड रिलेशनशिप, जो भाषा के जो शब्दों के जो साउंड है, वर्णों के साउंड है, उसके अनुसार भाषा की जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, तो ये भी नहीं है. और आपका फेलियर टू अप्लाई स्पेलिंग रूल्स हार्लॉक यानी वो उसको वो फेलियर है अप्लाई स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो ये भी गलत. ऑल द अबव हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं. अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर. करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, यानी जो करेक्ट स्पीच है वो किसके द्वारा डेवलप हो सकती है, किसके द्वारा डेवलप की जा सकती है, ये आपको बताना है बहुत ही शानदार तरीके से. बताइए डिक्टेशन के द्वारा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के द्वारा, वोकैबुलरी प्रैक्टिस के द्वारा, या किस चीज के द्वारा, जल्दी से फटाफट आंसर करें. तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो करेक्ट स्पीच हैबिट जो होगी वो हमारा होगा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस. लगातार किसी चीज को बार बार बोलने से हम अपने जो गलतियां करते हैं, जो एरर एंड ट्रायल वाली बातें आती हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर करते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर है ये रहा, तो बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा जल्दी. Who said language is the most important and characteristic form of the human behavior? ऑप्शन आपके सामने है, ब्लूम, सोक्रेट्स, सोक्रेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, अरिस्टोटल या ग्लेशियर. चलिए दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर रुख करते हैं. तो राइट आंसर है हमारा ग्लेशियर. राइट आंसर क्या है हमारा, ग्लेशियर. यानी किसने कहा था लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का एक चित्रण है, चरित्रण है. क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी. नॉट विद स्टैंडिंग इन द सेंटेंस, नॉट विद स्टैंडिंग इन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हिम, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इज अ, ये क्या है आपको बताना है. ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, या आपको फ्रेज प्रपोजिशन कह सकते हैं, या पार्टिसिपल प्रपोजिशन कह सकते हैं, या सिंपल प्रपोजिशन कह सकते हैं इसको. दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जितने भी मेंबर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, ये हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं. क्या होते हैं दोस्तों, पार्टिसिपल होते हैं, तो ये आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो जाएगा, यही इसका होगा राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर एट की ओर रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इंप्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स, देखिए यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द इंप्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स, यानी इनमें से कौन सा लर्नर्स की जो जो बेस्ट सुटेड किसके लिए, बेस्ट सुटेड स्पीकिंग स्किल, उसकी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होगा, ये आपको बताना है. चलिए बताइए, रेसिटेशन ऑफ पोएट्री, रीडिंग एंड प्रोज एंड ड्रामास अलाउड, ओरल लैंग्वेज ड्रिल, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द रोल प्ले. तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द रोल प्ले. जब हम बात कर रहे हैं पोएट्री की, तो पोएट्री में कहीं ना कहीं गद्य पद्यांश होता है जो गाकर सुनाया जाता है, और उसमें जितना रोल प्ले किया जाए उतना ही कम है, तो यही इसका राइट आंसर है दोस्तों. ये रिविजन बैच है आपका, रिविजन बैच को बहुत तेजी से चलना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन हैज मेड विद एवैल्यूएशन सिस्टम, क्या होगा राइट आंसर. देखिए, मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड, कॉम्प्लेक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग टू माइनर डिटेल्स, वैग्यू एज द एग्जैक्ट रैंक ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी द फाउंड, एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ओनली इन द सोशलिस्टिक एरियाज. तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की ओर करें, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर फोर्थ वाला. क्यों होगा, मैंने आपको बताया जब आप बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो हम पहले क्या करेंगे, मोर कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, मोर कॉम्प्रिहेंसिव के लिए एनालाइज करेंगे उसको, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस दे देंगे ओनली इन द स्कॉलिस्टिक एरिया में, स्कॉलिस्टिक एरिया के माध्यम से उसको देखा जाएगा. चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है. माइक्रो टीचिंग इज, कि माइक्रो टीचिंग क्या है ये आपको बताना है. माइक्रो टीचिंग क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से आंसर करें. माइक्रो टीचिंग क्या होगा, टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मेनी ऑफ बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट,
organized practice teaching, micromanaging the routine students in the school, teaching students in the small group. दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मिनट बिहेवियर. ठीक है, चले दोस्तों रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11. यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर्स टू, यानी जो क्या टीचर एक्सपेक्ट करता है, कंस्ट्रक्टिव ओवन करिकुलम या मेक लर्नर्स प्रिपेयर फॉर देवर दे सॉरी देयर ओवन टेक्स्ट बुक या गिव फ्री कंस्ट्रक्टिव नॉलेज या हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस एज ए टीचर. देखिए वो क्या करेगा, बच्चे की हेल्प करेगा उसके कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए नॉलेज यानी यूजिंग देयर एक्सपीरियंस. जो टीचर है वो अपने ज्ञान का अपने अनुभव का प्रयोग करेगा बच्चों को क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए. ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ऑफ टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है, आपको बताना है. कंसिडर द होल पर्सन, टीच ओनली वन पॉइंट एट अ टाइम. तो दोस्तों यहां ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है समझ लीजिएगा. यहाँ आया टीच ओनली, यहाँ पर ओनली वर्ड आ जाएंगे उस सेशन गलत हो जाता है और ये इसका राइट आंसर है. ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुक करते हैं, बहुत तेजी से हमें लेके चलना है. क्वेश्चन जितने अधिकतम अटेम्प्ट हो सकते हैं वो हम करेंगे. कलर ब्लाइंड क्लासरूम मीन्स, कलर ब्लाइंड क्लासरूम का मतलब क्या है आपको बताना है. अ क्लासरूम इन विच ऑल द टीचर स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यानी वो जो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसी क्लास जिसमें रेड ग्रीन कलर को लेकर बच्चे अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता. अ क्लासरूम इन विच द टीचर इज कलर ब्लाइंड, एक ऐसी क्लास जिसमें टीचर ही कलर ब्लाइंड है, ऐसा है क्या. नहीं दोस्तों, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है. अ क्लासरूम इन विच स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक विदाउट कलरफुल इलस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, नंबर 4th. अ क्लासरूम इन विच द टीचर डज नॉट कैटर इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर्स. ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ये आपको महारिविजन बैच जो आपके लिए लाए हुए हैं. फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड बाय थ्रू, यानी जो फ्लुएंसी इंग्लिश को फ्लुएंसी तरीके से बोलना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लैटली, इसको आप तेजी से कैसे बोल सकते हैं, इसमें कौन सा ऐसी चीजें रोल निभाती है. क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट एरर्स एंड करेक्ट देम, अलाउंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट. देखिए इसमें जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हमारा नंबर 1. क्यों होगा समझने का प्रयास करें, तो वो इसलिए होगा कि अगर आप चाहते हैं बच्चे को इंग्लिश फ्लुएंटली बुलाना, तो आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाओगे जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा टारगेट लैंग्वेज को यूज कर सके. ठीक है, तो यही होगा इसका हमारा राइट आंसर. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, यानी एक भाषा से अधिक भाषा का ज्ञान क्या जो होता है वो क्या कॉजेस इंटरफेरेंस इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज या बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर, वो टीचर पर बर्डन डालता. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी गलत है और ये भी गलत है. ठीक है, कंफ्यूज द लर्नर्स व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, वो लर्नर्स को कंफ्यूज करता है. नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है. यानी इट इज वेरी हेल्पफुल टीचिंग एंड लर्निंग, ये बहुत हेल्पफुल है. यानी जो एक भाषा से अधिक भाषा का ज्ञान आपको अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा बहुभाषी क्लास का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है. एन इफेक्टिव क्लासरूम यानी एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद, लैंग्वेज कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है आपको बताना है. ठीक है, यानी एक इफेक्टिव लेसन जो है वो टीचिंग के लिए उसमें कहां से स्टार्ट होती है, लिस्टिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन या रिसेप्चुलेशन एंड द मोटिवेशन थ्रू द फन एक्टिविटी. तो दोस्तों बात करें रिसेप्चुलेशन, यानी सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्ट, बच्चे की रिसेप्ट, जो बच्चा जो कह रहा है उसको हम रिसेप्ट करें और उसको मोटिवेट रखें किसके थ्रू, फन एक्टिविटी के थ्रू, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है. ठीक है, चलिए चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स, जो कुछ क्लास के अंदर जो इंडिकेशन है कुछ ऐसे, मतलब जो बच्चा चाह रहा, मतलब बच्चा शोर शराबा कर रहे हैं तो उसका क्या इंडिकेट होता है, क्या संकेत दिए जाते हैं, ये आपको बताना है. कि बच्चे इनडिसिप्लिन है, बच्चे टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल, की बच्चों पर टीचर का मतलब कंट्रोल नहीं है, या टीचर जो है इनकॉम्पिटेंट है, या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी विद द लर्नर्स एंगेज्ड इन द लैंग्वेज लर्निंग. दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका नंबर 4.
ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे स्तर पर बच्चों की शोर शराबे का मतलब वहां पर डिसिप्लिन नहीं होता, बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जल्दी हम पहुंच गए हैं। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू स्पेलिंग मिस्टेक्स, निम्न में से कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित ट्रू नहीं है यह आपको बताना था। तो देखिएगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन द लेटर रिवर्स या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लेटर साउंड रिलेशनशिप फेलियर टू द अप्लाई स्पेलिंग रूल्स आर लॉग या ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों इसमें ऑल ऑफ द अबव सही होगा, क्यों सही होगा समझने का प्रयास करें। चूंकि मेमोरी प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन द रिवर्स ये भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन पूछा नॉट, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसका मतलब अगर होता है तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ये अकेला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख कर रहे हैं, जल्दी से बताएगा इसका क्या होगा राइट आंसर। जल्दी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए था। हाँ ये थोड़ा मिस टेक यहाँ पर हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपके सामने है जल्दी बताएं। अरे आजा भाई, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, क्या बात है, नाराज हो रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है आपके सामने। करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, जो करेक्ट स्पीच है वो किसके थ्रू क्या होगी दोस्तों इफेक्टिव बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो डिक्टेशन के द्वारा, प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस के द्वारा, वोकैबुलरी प्रैक्टिस के द्वारा या किस चीज के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा प्रैक्टिस, यानी प्रोनंसिएशन की लगातार प्रैक्टिस की जाए तभी हम जो आपकी करेक्ट स्पीच हैबिट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके समय को ज्यादा ना लेते हुए मैंने बहुत कम समय में सुपर 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के द्वारा। अगले क्लास में मिलेंगे पूरे ऐसे हंसते मुस्कुराते और पूरे दमखम के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक हमारा नम्र निवेदन आपसे कि इस वीडियो में वो काम जरूर करके जाएं जिसके लिए मैं आपको हमेशा के लिए कहता हूं। देखिए कौन सा काम है जो आपको करना है, छोटा सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अधिकतम लोगों पर पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।